तो चोणों का एक दौर खत्म हो चुक्या है। जिहड़े जित्ते ने वह सरकार बनाउण दी कवायद दे विच लग गए ने, ते जिहड़े हारे ने वह कलेश पा रहे ने। जी हाँ, कांग्रेस तो खबर यह आ रही है कि चोणों च हार तो बाद पंजाब कांग्रेस दे विच जंग छिड़ गई है। लगातार मैणों मैणी होया जा रहा है, एक दूजे के उपर वड्डे वड्डे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अज सुनील जाखड़ ने चरणजीत चन्नी के उत्ते भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए ने। जी हाँ, सुनील जाखड़ ने चरणजीत चन्नी घेरिया, भ्रष्ट दस्या उन्होंने, कहा भ्रष्टाचार में लिप्त चन्नी अगे क्यों लिया गया, इसका सानू नुकसान होया। वड्डा बयान आया, नुकसान पहुँचाने वाले शख्स नूं तुसी हीरो किस तरह बना सकते हो, यह बयान जिहड़ा दिता गया उन्होंने वालों। सुनील जाखड़ ने चन्नी एसेट जो दस्या गया सी, एसेट दसे जाण दे उपर, मतलब उन्होंने एक प्रॉपर्टी दस्या गया सी, एसेट दस्या गया सी, उस ते तंज कसया। उन्होंने तंज कसदे हुए कह दिता कि रब का इन्ना शुक्र है कि उन्होंने कौमी खजाना नहीं ऐलान दिता गया। एसेट दस्या गया सी चरणजीत चन्नी नूं, जिस दे उपर तंज कसया। सुनील जाखड़ ने उन्हें कहा कि इन्ना शुक्र है रब का कि चरणजीत चन्नी नूं कौमी खजाना नहीं ऐलान दिता गया। वड्डे नेता भ्रष्ट शख्स की असलीयत हाईकमान नूं दसण दी हिम्मत रखण, ये भी उन्होंने कहा। असिधे तौर पर अंबिका सोनी भी करड़े हथी लिया, क्योंकि अंबिका सोनी ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने सुनील जाखड़ का नाम आने ये कह दिता सी कि हिंदू चेहरे नूं असी पंजाब का सीएम नहीं बना सकते। तो एक तरह नाल चन्नी का नाम उन्होंने मुख्यमंत्री वजों पेश किया, उन्होंने उपर भी लगातार सुनील जाखड़ पहले दिन तो निशाना साधते आ रहे हैं। तो हुण जिहड़ी जंग छिड़दी हुई नज़र आ रही है, तो मैणों मैणी होया जा रहा है। चरणजीत चन्नी जिहड़े सीएम फेस सन, दो दो सीटां तो लड़े सन, दोवें सीटां हार गए सन, हुण उन्हां नूं भ्रष्ट दस्या जा रहा है सुनील जाखड़ दे वल्लों। कांग्रेस पार्टी के सबका पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ का यह ट्वीट कांग्रेस की हार दे लई किस किस नूं जिम्मेवार ठहरा रहा है, इसका अंदाजा लाना कोई बहुता औखा नहीं। जाखड़ ने ट्वीट च चरणजीत सिंह चन्नी ते उन्हां दे नाम नूं बतौर मुख्यमंत्री पेश करन वाली पंजाबी महिला यानी कि अंबिका सोनी नूं निशाने ते लिया। जाखड़ ने लिखा है कि जायदाद की तुसी मजाक कर रहे हो, रब दा शुक्र है कि CWC दी बैठक च पंजाबी महिला वालों उसनू देश दा कीमती खजाना नहीं ऐलान दिता गया, जिसने उसका नाम पहला मुख्यमंत्री वजों पेश किया। उस दे लई ओ एक जायदाद हो सकता है, पर पार्टी दे लई ओ सिर्फ एक देनदारी ही रहा है। वड्डे आगुआं ने नहीं सगों खुद उस दे लालच ने उसनू अते पार्टी नू हेठां खिंच लिया। सुनील जाखड़ ने इस ट्वीट दे नाल उस खबर की फोटो भी शेयर की थी, जिस चन्नी दे भांजे हनी दे कोल 10 करोड़ रुपए बरामद किए जाने की गल कही गई है। गल सिर्फ गोलमोल ढंग नाल निशाने साधन तक ही नहीं, सुनील जाखड़ ने चन्नी नू पहला मुख्यमंत्री ते फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के फैसले ते ही सवाल चुके ने। कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली नहीं भाग जाती, जो समस्या है उसका जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि किसी आपसी फूट की वजह से नहीं, शायद एक कारण रहा हो आपसी झगड़ों की बदौलत, परंतु अगर आज कांग्रेस पार्टी का ये हशर हुआ है तो वो इसलिए हुआ है कि लोग और पंजाब के लोग बदलाव चाहते थे। करप्शन के नाम पे ऐसे व्यक्ति को आगे लाया गया जिनके खुद के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम चंद दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री बनने के बाद में लगे, और आज उसी व्यक्ति को अगर हम एक हीरो के रूप में पेश करेंगे, एक आदर्श के रूप में पेश करेंगे, क्योंकि चंद लोग CWC में ऐसे बैठे हैं जिनकी वो रिकमेंडेशन थी, जिन्होंने उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भरसक प्रयास किया, उनके लिए वो एक एसेट होंगे, परंतु पार्टी के लिए और पार्टी के कार्यकर्ता के लिए उन्होंने जिस किस्म का आचरण उनका रहा है उसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, जब तक इस करप्शन के ऊपर नकेल नहीं डाली जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि हम इस किस्म का कोई बदलाव पंजाब के लोगों को कांग्रेस पार्टी दे पाएगी। आज भी मेरा निवेदन पंजाब के जो चौधरी बने बैठे हैं दिल्ली के अंदर और यहाँ पे जो स्वयंभू नेता बने बैठे हैं, वो राहुल गांधी जी को जाके सही
बात बताएं किन वजूहात की वजह से आज पंजाब को और पंजाब कांग्रेस को ये हालात देखने पड़े हैं, ये मेरा अभिप्राय था। चोणा तो पहला कांग्रेस च मचिया कलेश किसे तो लुकिया नहीं है। पंजाब कांग्रेस का लगभग हर वड्डा अपना वखरा राग लापदा नजर आंदा सी। लीडरशिप दे फैसले नाल कोई भी सहमत नहीं सी। सिद्धू होण, सुनील जाखड़ होण, रवनीत बिट्टू होण, चरणजीत सिंह चन्नी होण, सुखजिंदर रंधावा जां फिर प्रताप बाजवा होण, हर किसे दी अपनी डफली अपना वखरा राग चल रहा सी, जो जाहर तौर ते जनता नूं कांग्रेस तों दूर कर गया। ते हुण जद कांग्रेस इन्हां चोणां च बुरी तरह हार चुकी है तां रवनीत बिट्टू इस दा ठीकरा इन्हां आगुआं दे सिर ते ही बन रहे ने। जिहड़ी अज आम आदमी पार्टी की जित वो आम आदमी पार्टी की आपकी जित नहीं गी, क्योंकि उन्हें कुछ किया होवे तां उहदी जित मैं मानदा। अज जिहड़ी जित हुई आ ये सानूं हराया लोकां नूं, जिहड़े साडे लीडरां दीआं नलैकियां सी इह कदे देखिया सी वी प्रियंका गांधी जी आए होण ते स्टेज दे उत्ते सूबे दे प्रधान नूं बुलाउण लई कहा जावे तो ना कर दे, इन्ना वड्डा इंडस्ट्री। इस वार सरकार जिहड़ी बणी है वो सिर्फ साढ़े लीडरां दे कारण बणी है, जिहड़ियां लीडरां दे गलतियां जिन्हां ने आप 75-25 कह के, जिन्हां ने आप रोज अपनी लड़ाई करके नहीं मैनू आ गद्दी चाहीदी है मेरी फोटो लाओ, क्या तुसीं की समझदे हो वर्कर ने आम आदमी ने वोट पाउणी है, थोड़ियां वोटां जेबां च पाइयां। कोई कहिंदा मेरी फोटो लाओ, कोई कहिंदा मेरी फोटो लाओ, जिहड़ा वर्कर उहदी फोटो लाओ तुसीं जे लाउणी आ। तुसीं तीन चार लीडर अपने आप नूं इह कहिण लग गए वी फलाने समर्थ मेरे कोल वोट आ, फलानी बरादरी दी मेरे कोल वोट आ, तुसीं किहड़ियां गलतफहमियां सी इह। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਵਰਕਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। CWC 'ਚ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇਗਾ। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़।